तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। कल है दिवाली और आज हमारा रूम साफ सफाई होगा क्योंकि कल दिवाली है। तो दिवाली को पहले पटाखा फोड़ेंगे, चुकभुकिया टांगेंगे, मतलब वो क्या करता है, लाइट्स वगैरह लगाएंगे अपने गेट के तरफ, अपने फ्लैट के तरफ, और उसके बाद कुछ करेंगे। और इतना सारा यहाँ पर सब कंपोनेंट दिख रहा है, इस सबको एकदम साफ करके एकदम साफ सुथरा करना है। दो दिन से लगातार हम एडिटिंग पर बैठे, एकदम एडिटिंग केवल एडिटिंग। और इस प्यारे से दिल को भी आज हम साफ करेंगे। आज दिल मेरा धड़के ला केहू के प्यार में। और यहाँ पर हम अभी असाइनमेंट भी सब लिख रहे थे, तो और इसको अभी हम साइड करते हैं यहाँ पे। और ये सब जितना सारा यहाँ पर कचरा दिख रहा है ना, सब ये इधर साफ कर देंगे। और ये सब जितना ये रूम में दिख रहा है ना यहाँ पर, ये सब कचरा इसको एकदम बढ़िया से सरिया के रखेंगे, एकदम चपुत के रखेंगे। और ये रहा राजीव मौर्या, राजीव मौर्या को भी थोड़ा सा साफ करेंगे, अपने दिल गुर्दा फेफड़ा दिमाग सब कुछ को साफ करेंगे आज अच्छे से। और अपने शरीर को भी साफ करेंगे, ये थोड़ा सा ये साफ कर लेंगे। और क्या साफ करेंगे, सोचते हैं क्या साफ करेंगे। अभी सभी लोग चले गए हैं अपने अपने घर, बचे हैं हम इस फ्लैट में सिर्फ हम। तो आज अकेले ही हमको साफ करना है, वैसे भी बारी मेरा ही था अकेले साफ करने का। इसमें से इतने सारे लोग हैं जो कि सभी लोग चले गए हैं अपने अपने घर, बचे तो सिर्फ हम। मेरे सारे दोस्त लोग भी चले गए हैं यार अपने अपने घर। वीडियो इसी वजह से सुक नहीं हो पा रहा है दो दिन से, शॉर्ट वीडियो। अपने अपने दोस्त से हम सभी दोस्तों से नाराज है, हम नाराज है। पता है क्या है, नाराज है, चला अकेले भाग गया घर। हमको कोई पूछो नहीं किया कि मौर्या चलेगा कि नहीं घर चलेगा, कोई ना। इसी दुख दर्द में हम यहाँ पर सैड सॉन्ग सुनेंगे। वाह 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 वाह, क्या क्यूट है, साला ऐड आ गया। हो सपा मेरे हो शायद ते पलम न रहे, जैसा हो तुम न रहो, ऐसा हो हम न रहे, रास्ते अलग हो जाते, तो चलते क्यों ना, फिर भी तुमको चाहूंगा मैं, फिर भी तुमको चाहूंगा ढेर हो लिए हम सैड। अब बारी है हमारा काम करने का, क्योंकि अगर काम नहीं करेंगे ऐसे ही उदास रहेंगे। तो पता चला कि वो लोग भी गए अपने मौज मस्ती कर रहे हैं, मेरा काम भी नहीं हुआ, हम सैड रह गए, मेरा कोई काम भी नहीं होगा, बैठले रह जाएंगे। इससे अच्छा है मौर्य अपने दिमाग को शांत रखो और अपने काम पर फोकस करो, फोकस ऑन गोल नॉट ए हो। और अभी हम सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करें कि किचन से स्टार्ट करें, अभी ये समझ नहीं आ रहा है कि इधर से स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हमको कॉपी किताब लेना पड़ेगा और हमको बनाना पड़ेगा प्लान। तो इस चीज पर हम बनाएंगे अभी प्लान अपना। अभी हम चले थे अपना प्लान बनाने की, सबसे पहले कौन सा रूम साफ करेंगे तो जल्दी साफ होगा, मतलब आइडिया, क्योंकि इधर से लेकर उधर से लेकर एक जगह कचरा इकट्ठा करना पड़ता है ना, इसीलिए सबसे पहले प्लान बना रहे थे। लेकिन तब तक पता चल रहा है कि ये कलम ही खत्म है, ये कलम उठाए तो यो कलम ही खत्म है, एक और इधर था तो वो कलम ही खत्म है, सब कलम ही अभी हम खत्म करके रखे हैं। और मेरे दोस्त बोलते हैं मौर्या तुम अकेले ब्लॉगिंग नहीं कर पाओगे, अकेले रहोगे तो ब्लॉगिंग करोगे तो अच्छा वीडियो नहीं बनेगा, अच्छा ब्लॉग नहीं हो पाएगा, एंटरटेन नहीं कर पाओगे लोगों को। तो आज आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और मेरे देसी दुनिया नंबर वन चैनल को भी सब्सक्राइब करो, हमको लाइक करो, डीएम करो। आपको नहीं पता होगा ये 5,47,000 वाला सब चैनल मेरा ही है, सब्सक्राइबर यहाँ पर इस पर 200 मिलियन व्यू है, आपको दिखाते हैं, मतलब 200 लोगों ने हमको देखा है। लेकिन इस बात का हमको खुशी है, लेकिन इस बात का दुख भी है हमको, पता है किस चीज का दुख। अभी हम एक वीडियो अपलोड किए थे 8 घंटे एडिटिंग किए थे और वो वीडियो यूट्यूब ने एज रजिस्टर्ड लगा के स्ट्राइक रिमूव। और कोई ना, YouTube ने सिर्फ मेरा वीडियो रिमूव किया है, मेरा टैलेंट को नहीं छीना है, मेरे टैलेंट को रिमूव नहीं कर सकता, मेरे हौसले को रिमूव नहीं कर सकता, मेरे जुनून को रिमूव नहीं कर सकता। इसलिए मौर्या फिर से वीडियो बनाएगा, फिर से अपलोड करेगा दूसरे चैनल पर। देख रहे हो यहाँ से बाल इस तरह उड़ रहा है, तिरछे बाल उड़ रहा है। हाँ, तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पर जितना सारा कपड़ा है सबसे पहले उठा कर इस पर फेंकते हैं ये सब, उसके बाद देखेंगे कैसे क्या करना है। ठिकचुक 1,000, 50, 500,
पता नहीं किसका किसका इस पर कपड़ा है भाई, मेरा तो लग नहीं रहा था सदी की इतना सारा कपड़ा, बाप रे इतना तो हम कपड़ा कभी पहनते नहीं होंगे। और इधर देखो कितना कचरा हुआ है, सबसे पहले इसको साफ करेंगे। ये उठा के ये फेंका, ये उठा के ये फेंका, ये उठा के ये फेंका। ये मेरा स्वेटर देखो उजला है, उजला से ये काला हो गया है। कॉपी है, बढ़िया कॉपी है, लिखने लायक नहीं है, इसको साइड रखते हैं। यहाँ पर मेरा एक बढ़िया कुर्ता साला इधर, इसमें मेरा पैंट गंजी काछा इधर है साला, हम कहिए ले खोज रहे हैं। रूम साफ सफाई करने पर कितना भुलाई चीज मिल जाता है, देखो एक बढ़िया शर्ट भी मिला। खोज रहे थे हम, सोचे कहाँ गांव पर छोड़ दिए हैं लगता है, लेकिन अब मिल गया। इसको रखेंगे सबसे पहले यहाँ पे, ये सरियाएंगे इससे और ये उतारते हैं। अब ये अपना ये यहाँ पे गंजी का क्या हाल हुआ है, मेरा टी शर्ट मेरा ब्लेजर का हाल देखो। तो सबसे पहले हम इसमें से अपना कपड़ा चुनते हैं, देखते हैं मेरा कौन कौन सा कपड़ा है, निकालते हैं इसको। इतना बढ़िया बढ़िया कचरा, इतना बढ़िया बढ़िया कपड़ा इधर फेंका हुआ है, बताओ इतना सारा सब कचरा था, तो इसको अलग अलग किए तो पता चल रहा है। इतना कचरा हमारे राहुल भैया के है, इतना हमारे मामा जी का है, इतना ये हमारा है, इतना ये गमछी उमछी है जो की पब्लिक है, पब्लिक वाला है, ये मेरा प्राइवेट कचरा रखने वाला यहाँ पर दुगो है ऐसा निशान। सबसे पहले इसमें जितना सारा कचरा है राहुल भैया का, इस दोनों में भर देते हैं और एक में मामा का भरते हैं और एक अपना हम देख सारा अपना कचरा भर दिए हैं, भैया का ये मामा का, और यहाँ पर अब बचा सिर्फ मेरा कचरा। कचरा निकालने के पीछे बहुत सारा रीजन था, क्योंकि कितना सारा मतलब उस कचरा में मेरा बढ़िया बढ़िया कुर्ता पैंट उसमें चला गया था, जो कि खोज रहे थे तो मिलिए नहीं रहा था, जो कि खोज रहे थे तो मिलिए नहीं रहा था, मिलिए नहीं रहा था, मिलिए नहीं रहा था। हंसता रहता हूँ तुझसे मिलकर क्यों, बदले बदले हैं मेरे क्यों आजकल, आंखें मेरी हर जगह ढूंढे तुझे, मैं हूँ या कोई और है मेरी तरह, कैसे हुआ क्यों हुआ प्रीति को प्यार, कबीर से प्रीति को क्यों हुआ कैसे हुआ प्यार। तो सबसे पहले इसको अपना हटाते हैं ब्लेजर को साइड में, 8000 का ब्लेजर का कोई इज्जत नहीं है मेरे यहाँ है, इज्जत मतलब टाइम नहीं है इसलिए इज्जत नहीं है, नहीं तो मम्मी देख लेगी वीडियो तो मार गए फ्लावर कर देगी मेरे को। हो जा ब्रो तू सीधा हो जा, एकदम बढ़िया ले तू सीधा हो जा साला, यो चपेटा गया है, रख ले रख ले। देखो ये देखो इतना बढ़िया पैंट मेरा जो कि इसमें पड़ा हुआ है, अभी इसका नीचे से छोड़ा भी नहीं है सोल, अब इसको पहनकर वीडियो बनाएंगे। देखो एकदम नया नया पैंट जिसको अभी एक बार भी नहीं पहने होंगे साला, ये कचरा में रख ले क्या हो गया है इसका हाल, अब ठंडा रहा है ना, अब पहनेंगे सब। दो गो नया नया पैंट मिल गया हमको, अभी देखो ना खोजने पर क्या क्या नहीं मिल जाएगा, खोजने पर तो गर्लफ्रेंड मिल जाती है। ये देखो लव लेटर निकल रहा है दसवा क्लास का, पहचान पत्र निकल रहा है साला, इसमें बहुत सारा फोटो है, मम्मी का है फोटो, पापा का फोटो है, और यहाँ पर बैंक अकाउंट मेरा है, फिर से परिचय पत्र है मेरा, कुंवर सिंह महाविद्यालय भोजपुर आरा महाविद्यालय परिचय, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो, आठवा क्लास में जरूरत पड़ा था मेगा छत्रवृत्ति के एग्जाम देने गए थे, उसी टाइम हम 40 को निकलवाए थे, अब 40 को हम ब्लैक एंड व्हाइट फोटो क्या करेंगे, आजकल रंगीन फोटो का जमाना है, तो हम कोई फंक्शन वंक्शन में जाते होते नहीं है। सबसे पहले इस ब्लेजर को हम अपने अच्छे से नीचे सबसे रखते हैं, इसका टाई कहाँ है, इसका टाई कहाँ है, इधर है ये और फाइनली हमारा यहाँ पर अपना ब्लेजर रख दिए, अब इसमें कुछ भी रख सकते हैं आराम से। तो अभी हम पता है क्या सोच रहे हैं कि अभी जितना स्वेटर वेटर है ना सब वो रखे, क्योंकि अभी उतना ठंड आया नहीं है, अभी मतलब कम से कम एक महीना अभी टाइम लगेगा आने में। सबसे पहले इसको रख देते हैं स्वेटर को, उसमें खोजते हैं यहाँ से, ये वीडियो बनाने में काम आता है, ये भी वीडियो बनाने में काम आएगा, ये भी वीडियो बनाने में, ये पीला वाला शर्ट को रखते हैं कहीं बाहर और घूमने जाएंगे तो, ये जो अभी मैल हो गया है इसको देंगे खिंचवाने के लिए, तब तक इसको इसमें रख देते हैं। ये देखो गमछा जो कि हम कई महीना से खोज रहे थे इसको, इतना बढ़िया गमछा को, और ये पड़ा इधर कचरा में, लेकिन अभी मिल गया फाइनली। यहाँ पर मेरा सब कंप्लीट हुआ, अब इसका चैन बंद करेंगे, बंद हो जा सीम सीम, बंद 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 हो जा। यहाँ पे अभी ये कंप्लीट हो गया, थोड़ा अब अच्छा लगने लगा, अब बस इस ग्राउंड को साफ करना है, बस झाड़ू मारेंगे बस बात खत्म, ये रूम साफ हो जाएगा मेरा थोड़ा। अब इसको नीचे का ये सब है इसको साफ कर देते हैं यहाँ पे ऐसे, मतलब इसको ज्यादा साफ नहीं करना है, ये सब अंदर डाल देना है, बस हो गया, ढुक जा अंदर। हाँ अब फाइनली हमको एक इरेजर मिला दोस्तों, ये सब अंदर तुम जाओ, तुम लोग अंदर जाओ, यहाँ पर हमको एक इरेजर मिला दोस्तों, ये सारा रूम एकदम साफ हो गया है, एकदम बढ़िया से, एकदम थोड़ा बहुत बढ़िया बढ़िया लगने लगा है। यहाँ पर इसका सारा कचरा ला दिए हैं, अब इस रूम से हम साफ करेंगे, तब जाकर इधर सीधे किचन में निकालेंगे, किचन से उधर निकाल देंगे कचरा। सबसे पहले अब इस रूम में आते हैं, देखते हैं क्या क्या कचरा है, और सबसे पहले थोड़ा गाना को कम कर देते हैं, नहीं तो मेरे ब्लॉग पर कॉपीराइट आ जाएगा। वाह 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 क्या मेरा मस्त कंप्यूटर लग रहा है ना यहाँ पे इसी फैक्ट में।
में मजा आ जाता है देख के ये। तो अब हम जाते हैं अपने बेड पर, और बेड पर हम देख सकते हैं यहाँ पर मेरा नया नया कपड़ा, स्कूल ड्रेस और थोड़ा बहुत कॉपी किताब है। और थोड़ा इधर गोड़ पोछ लेते हैं, बहुत सारा गंदा हो गया, बेड गंदा हो जाएगा ऐसे, वो भी धोना पड़ जाएगा, पता लगेगा कि यहाँ पर जितना सारा कपड़ा है पहले इसको साइड करते हैं, तब पता चलेगा हाँ क्या है कैसे है। ये ग्रीन स्क्रीन है, ग्रीन स्क्रीन को हम यहाँ पर दीवार में सेट कर देंगे फाइनली इसको। पता है मेरा रूम इतना ज्यादा गंदा कहीं हो जाता है, क्योंकि हम आते हैं कहीं से और गुप्त से सारा कपड़ा खोल खाल के बेड पे फेंक देते हैं, और बेड पे फेंकेंगे तो फिर बेडे पर छूट जाता है, इसीलिए अब से ध्यान रखेंगे कहीं से आएंगे एकदम बढ़िया कपड़ा खोल के जहाँ से हम उठाए थे वहीं पर रखेंगे। ये आज हम लर्निंग सीखते हैं आज मौर्य। चलो चलो कॉपी किताब चाइल्ड हो जाओ थोड़ा, ये अपना प्लास्टिक यहाँ पे रहो, तो यहाँ से गमछा उठाओ और इसको थोड़ा सा झाड़ दो कि अच्छा हो जाए, उसके बाद तो सब सही है। हमारा बेड साफ, अब देखते हैं इस बेग को और इसको। चलेंगे हम अपने कंप्यूटर के पास, इस साइड का हम पूरा साफ कर दिए, अब बारी आ गया है इधर कंप्यूटर का। कंप्यूटर देख रहे हो साला कौन देगा वो चढ़ी फेंक ये इसको हम पोछना बनाए थे, वो कौन जाने कौन उधर फेंक दिया है। तो स्टार्ट करेंगे अपने कंप्यूटर को इस तरह बंद करके, और इधर सारा कचरा बहुत सारा जम गया है भाई, तो आज पूरा कंप्यूटर को हम हटाएंगे उसके बाद साफ करेंगे अच्छे से इसको। Okay. तो ये रहा फाइनली हमारा ये पीसी मॉनिटर, और इसको अभी हम रखेंगे साइड में। और अभी मेरा ये सब खाली खाली दिख रहा है, और भी हटाएंगे ये लॉकटेक के, हटाओ हटो हटो साला का गड़ा, लकड़ी गड़ा, पूरी साला का गड़ा है। और इसको भी फाइनली हटाएंगे हम, बाप रे कचरा जितना सारा कचरा होता है सब इसी में हम डाल देते हैं। देख रहे हो मॉनिटर के अंदर कितना सारा कचरा भरा हुआ है, मॉनिटर के नीचे अंदर ना बस इतना सारा मतलब फेस वाश है, प्रोडक्ट है, लेकिन हम एक भी यूज नहीं करते हैं अभी इसका, तो हम सील भी नहीं तोड़े हैं। प्रमोशन के लिए हमको बहुत सारा ऐसे मिलता है फेस वाश, लेकिन हम एक भी यूज अभी नहीं, अभी तक नहीं किए हैं, लेकिन आज से अब हम सोच लिए हैं कि ये सब रख ले पता चलेगा कि एक्सपायर हो जाएगा, इसीलिए अब इसको बाथरूम में रखेंगे, बाथरूम में रहेगा तो जरूर कबो ना कबो यूज कर ही लेंगे, इधर रहता है तो पड़ा ही रहता है। इतना सारा कचरा नीचे, ये पिलुआ मामा ओए, इधर साफ सफाई होगा सब अच्छे से। अब देख रहे हो असाइनमेंट का क्या हाल किए है हम, तो प्रैक्टिकल फाइल इधर आ जाओ तुम साइड में। अभी फिलहाल सारा मतलब इधर कॉपी किताब निकाल कर ये स्क्रिप्ट कॉपी, स्क्रिप्टिंग का कॉपी देख लो इतना सारा ये है रे असाइनमेंट, असाइनमेंट का कोई इज्जत नहीं है बताओ, कंप्यूटर के नीचे दबा हुआ है। और ये देखो मेरा एडमिट कार्ड, जैसे ही मेरा फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम खत्म हुआ सब लोगों ने अपना अपना यहाँ पर ऑटोग्राफ दिया है दोस्तों, तो इसी में कुछ पुरानी चीजें पुरानी यादें मिल जाती है, तो स्टोरी रील्स शेयर सगर शेयर कर देते हैं, मतलब रहा नहीं जाता है थोड़ा ना, दोस्त बिना जिंदगी अधूरी है भाई, दोस्त है तो सब कुछ है हमारे लिए, हमारे लाइफ में दोस्त का इम्पोर्टेंट बहुत रोल है। ऐसे एक दोस्त जाते हैं तो कोई एक अच्छा दोस्त आ जाता है जो कि हमारा बहुत हेल्प करता है, अच्छे दोस्त मिलते हैं हमको, पर जो अच्छे दोस्त होते हैं उनको हम बहुत मिस करते हैं, जैसे कि अभी हम यहाँ पर ये देखकर बहुत मिस कर रहे हैं सभी दोस्तों को, भोसड़ी वाले सब अकेले अकेले घर भाग गए, अकेले अकेले दिवाली मना रहे, हमको कोनो तक पूछा भी नहीं कि मौर्य चलोगे घर, कोई ना। उन भोसड़ी वाले दोस्त से हम बस यही कहना चाहते हैं कि जल्दी जल्दी वापस आओ भोपाल, जल्दी जल्दी वापस आओ, अकेले मन नहीं लग रहा है, जल्दी आ जाओ जल्दी आओ। तो फिलहाल यहाँ पर ये सब कुछ साफ करेंगे हम, ये सब ये देखो राउटर हम 10th क्लास में खरीदे थे 1200 का, लेकिन आज तक हम इसका 1200 के यूज तक नहीं किए होंगे, क्या मतलब कि हम इसको सनी लियोनी और मियां खलीफा के लिए लिए थे, ऐसा नहीं है, राउटर 10वां क्लास में हम इसलिए लिए थे क्योंकि मेरे पास मोबाइल नहीं था लेकिन जियो का सिम था, हमसे सोचे चलो राउटर खरीद लेते हैं। तो हमने यहाँ पर इतना सारा साफ कर दिए हैं और यहाँ पर इतना सारा कचरा निकला है अभी, तो इसको हम साइड करेंगे, सबसे पहले हम इस पीसी को अब वहाँ पे हम रखते हैं इस मॉनिटर को अपने जगह पर। हमने अपने कंप्यूटर को एकदम पूरा अच्छे से साफ कर दिए हैं, अपने कंप्यूटर सेटअप को, क्योंकि यही मेरा जान है प्राण है, और सबसे बड़ी बात ये मेरा प्यार है भाई, दिल इसको दे दिए है हम अपने कंप्यूटर को। इसके पास जितना हम समय बिताते हैं ना, हम किसी के पास उतना समय नहीं बिताते होंगे, इसीलिए ये मेरा प्यार अभी फिलहाल में तो यही है, लव एट फर्स्ट साइट कंप्यूटर, आई लव यू, मैं तुमको दिल देता हूँ, ये लो कंप्यूटर, ये लो मेरा दिल लो, लेगा गुस्सा है छोड़ो टांग देते हैं, ये दिल किसी और को दे देना, हमको नहीं चाहिए, हम ऐसे ही तुम्हारे साथ है। गिरने से बच गया साला, सिनेमेटिक शॉट लेने में पता चलता हम आज उसका बैंड बजा दिए। हम निकाले हैं ये अपना किट, मेडिकल किट बॉक्स, देखते हैं इसमें क्या क्या कचरा है, सब निकाल के पहले बाहरी निकालते हैं, पहले उझिलते हैं इसको इस तरह, तब देखेंगे बढ़िया बढ़िया चीज क्या है। एक रहा ये, इसको भी रख लेते हैं, इसको भी रखते हैं यहाँ। ये देखो डस्टिंग पाउडर हमने बनाया है, फाइनली हमारा इतना सारा कचरा निकल चुका है जो कि वेस्ट मटेरियल है, और हमारा रूम एकदम अभी साफ हो चुका है, थोड़ा बहुत ये है एडजस्ट करने का, तो एडजस्ट कर देंगे या पहले कचरा
कचरा फेंक ले और इधर का एकदम मस्त हो गया, एकदम देखो साफ सुथरा साइन। सर 3-4 घंटे से लगता है हम हार्ड वर्क कर रहे हैं, हार्ड वर्क करने के बाद हमारा पूरा फ्लैट अब चमकने लगा है। ऐसे रोज आलसीपन रहता है शरीर में तो कहियो रूम साफ ही नहीं हो पाता है, लेकिन आज हम सोचे नहीं कल दिवाली है तो आज रूम साफ कर दिया जाता है, कर देना चाहिए। तो आज हमने रूम साफ किया और फाइनली ये रहा, हमको ये अपना स्कूल ड्रेस और फ्रॉन और ये पैंट वेंट सब धोना है, इसको धोएंगे, ये रुमाल को धोएंगे, ग्रीन स्क्रीन को आज यहाँ पर हम लगाएंगे और बाकी सब तो शर्ट आउट हल ही है, इसको रख देते हैं इधर साइड में अभी फिलहाल में तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। और कुछ साफ ऑफ नहीं ना करना है, वैसे अभी किचन साफ करना है लेकिन किचन में थोड़ा लाइट वेट का प्रॉब्लम है तो उसको आज नहीं करेंगे और भूख भी लग गया है तो अभी खाने जाएंगे। हम इसको ले चलते हैं सीधे बाथरूम में। होली का क्या मस्त मस्त सीन आ रहा है ना, ये साफ सफाई करते करते लेट हो गया था इसीलिए अब खाना नहीं बना पाए तो अभी हम जा रहे हैं बाहर खाना खाने। हमारे यहाँ पर खाना आ चुका है,